गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रजनी सैनी, आई टीच यू आदर्श बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुजू। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 15 की रीडिंग कर चुके हैं, पीपल हु हेल्प अस, कि कौन कौन से जो लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। तो इनमें कई लोगों के बारे में हमने पढ़ा जो हमारी हेल्प करते हैं, जैसे बार्बर है, फार्मर है, पुलिसमैन है, स्वीपर है, डॉक्टर है, टीचर है, और ग्रीन ग्रोसर है, ग्रोसर है, ये सब की क्या है, हमारे हेल्पर्स हैं। अब स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का बुक वर्क और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप पेज नंबर 70 और 71 ओपन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, इस चैप्टर का बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 70, टिक द राइट आंसर। नंबर ए, ही गार्ड्स अवर होम, हमारे घर की रखवाली कौन करता है, तो वॉचमैन या पुलिसमैन, तो इसमें क्या आएगा, वॉचमैन। यहाँ नंबर ए ऑप्शन को टिक करेंगे। नंबर बी, क्लीनलीनेस ऑफ ग्राउंड इज मेंटेन बाय, जो ग्राउंड है उसकी साफ सफाई का काम मेंटेन यानी बनाए रखना कौन करता है, स्वीपर यानी सफाई करने वाला। नेक्स्ट नंबर सी, शूज आर मेंडेड बाय द, शूज यानी जूते है वो कौन बनाता है, तो कौन बनाता है, कोबलर यानी मोची। नंबर बी ऑप्शन को टिक करेंगे। नंबर ए सॉरी डी, ए टीचर डज नॉट, एक टीचर है यानी अध्यापक है वो क्या नहीं करता, देखो टीच यानी पढ़ाना, सिखाता है बच्चों को, पढ़ाई करवाता है, तो नंबर बी ऑप्शन देखिए, पेंट वॉल्स, वॉल्स यानी दीवार, दीवार को पेंट करना, तो टीचर का कौन सा वर्क है, टीच यानी पढ़ाना, पेंट वॉल्स नहीं करते हैं, इसलिए नंबर बी ऑप्शन आएगा यहाँ पे, पेंट वॉल्स, क्योंकि जो टीचर है वो दीवार को पेंट नहीं करता है। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर ए, डॉक्टर्स ट्रीट्स यानी उपचार करना, एज वेन वी आर नॉट वेल, जब हम अच्छे नहीं होते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट कौन करता है, डॉक्टर करता है, तो यहाँ ट्रीट लिखेंगे। नंबर बी, इन स्कूल यानी स्कूल के अंदर टीचर्स होते हैं, टीचर्स जो हमें क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टीचर्स। नंबर सी, कोबलर मेंड्स अवर शूज, कोबलर है यानी जो मोची है वो हमारे जूते बनाते हैं, तो यहाँ मेंड्स लिखेंगे, मेंट्स यानी बनाना। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन आंसर है इसके, नंबर ए, हाउ शुड वी ट्रीट अवर हेल्पर्स, हमारे जो हेल्पर्स हैं हमें उनको किस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए, तो वी शुड गिव रेस्पेक्ट टू अवर हेल्पर्स, जो हमारे हेल्पर्स होते हैं उनकी हमें हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर हमें करना चाहिए। नंबर बी, नेम फोर पीपल हु हेल्पर्स, हमें यहाँ ओनली फोर पीपल के नेम लिखने हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, तो यहाँ लिखा है टेलर, बार्बर, डॉक्टर एंड ग्रोसर आर द पीपल हु हेल्प अस। टेलर कौन होता है, जो हमारे कपड़े स्टिच करता है यानी सिलाई करता है, बार्बर हेयर कट करता है, डॉक्टर जब हम बीमार होते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट करता है, और ग्रोसर होता है जो हमारे डेली वे यूजेस का जो भी सामान है वो रखता है यानी किराना स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डज ए कोबलर डू, कोबलर यानी जो मोची है वो क्या करता है, तो इफ़ द हील ऑफ अवर शू इज ब्रोकन कोबलर विल मेक इट न्यू, तो जो हमारी शूज़ हैं अगर वो कहीं से फट जाते हैं या टूट जाते हैं या हील खराब हो जाती है तो उसको कौन नए जैसा बनाता है, कोबलर बनाता है, तो विल मेक इट न्यू, वह इनको नए बनाते हैं। नंबर डी, हाउ डज ए मैसन हेल्प अस, मैसन जो होता है वो हमारी किस प्रकार से हेल्प करता है, मैसन कौन होता है, घर बनाने वाला, तो मैसन बिल्ड्स हाउसेज एंड बिल्डिंग्स फॉर अस, मैसन क्या करता है, हमारे लिए हाउस बनाते हैं, घर तैयार करते हैं और बहुत सी इमारतें यानी बिल्डिंग भी बनाते हैं। तो पेज नंबर 70 कंप्लीट हुआ, इसके बाद पेज नंबर 71 पे एक एक्टिविटी दी हुई है, कैन यू नेम दीज पीपल, हमें इन पीपल के नेम लिखने हैं हु हेल्प अस, जो हमारी हेल्प करते हैं इन अवर डेली लिव्स, हमारी दैनिक क्रियाकलापों में जो हमारी हेल्प करते हैं, टेक हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बुक्स, यहाँ फर्स्ट लेटर हमें दिया हुआ है, बाकी का हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए ये पिक्चर किसकी है, पुलिसमैन की है, तो पी लिखा हुआ है, बाकी की स्पेलिंग हम लिखेंगे पी ओ एल आई सी ई, पुलिस एम ए एन मैन, पुलिसमैन।
नेक्स्ट देखिए कौन है जो पढ़ाते हैं, वो कौन होते हैं? टीचर होते हैं। तो टी लिखा हुआ है, TEACHER, टीचर। नेक्स्ट देखिए कौन है, पोस्टमैन है जो लेटर पोस्ट करता है, तो पोस्टमैन की स्पेलिंग लिखेंगे POSTMAN। नेक्स्ट देखिए कौन है, डॉक्टर। हम इनकी जो इनके कपड़े जो होते हैं उन्हीं से पहचान लेते हैं कि ये कौन है, डॉक्टर हैं जो हमारे ट्रीटमेंट करते हैं जब हम बीमार होते हैं। डी लिखा हुआ है, बाकी की स्पेलिंग हम कंप्लीट करेंगे, DOCTOR, डॉक्टर। नेक्स्ट देखिए कौन है, स्वीपर जो सफाई करते हैं, तो S लिखा हुआ है, WEEPER, स्वीपर, यानी सफाई करने वाला। तो ये एक्टिविटी आप कंप्लीट करेंगे, इनके नेम लिखेंगे। इसके बाद नंबर टू पे देखिए, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद हेल्प ऑफ द पिक्चर क्लू। यहाँ हमें पिक्चर्स का कुछ क्लू दिया हुआ है, उनकी हेल्प से हमें यहाँ जो क्रॉसवर्ड एक पजल दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए नंबर वन पे ये कौन है, ब्लैक स्मिथ है जो लोहे वगैरह का काम करता है, इसको कहते हैं ब्लैक स्मिथ। तो यहाँ बी लिखा हुआ है, बाकी की स्पेलिंग हम लिखेंगे, BLACKSMITH, ब्लैक स्मिथ, जो लोहे को पिघलाता है और उसे कई इन सारी चीज़ें हैं वो बनाता है। यहाँ देखिए ये कौन है, सेफ है जो हमारे लिए नए नए पकवान बनाते हैं, होटल वगैरह में हम बड़े होटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे सेफ होते हैं जो खाना कुक करते हैं, तो CHEF, सेफ। नेक्स्ट देखिए यहाँ ये कौन है, ये पेंटिंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक आर्टिस्ट है, ARTIST, आर्टिस्ट यानी कलाकार। नेक्स्ट देखिए ये कौन है, जो चाक होता है उस पर मिट्टी के बर्तन तैयार करता है, यानी कुम्हार जो होता है उसको क्या कहते हैं, पोटर कहते हैं, तो POTTER, पोटर। यहाँ देखिए ये कौन है, पुलिसमैन है, लेकिन हमारी पजल में ये स्पेलिंग रॉन्ग दी हुई है इसलिए मैंने यहाँ स्पेलिंग लिखी है, तो आप यहाँ पुलिस की स्पेलिंग लिखेंगे, POLICE, पुलिस, यहाँ यही लिख लेना आप, इसमें गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो POL आता है यहाँ पे, आई फिर यहाँ सी आता है और ई आता है, इसलिए ये पजल रॉन्ग है, आप यहीं पुलिस लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस चैप्टर का बुकवर्क कंप्लीट कर चुके हैं, इसको आप लर्न एंड राइट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।